वैश्य ने कहा हे प्रिय कंदक के विवाह के समय वृत्त करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैसे दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर उस वैसे ने नगर की सखियों के साथ खेलते हुए अपनी कन्या को विवाह योग देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूसरे कहकर शीघ्र भेज दिया। इसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर में गया और वहाँ से एक बड़े का पुत्र लेकर आया। उस बड़े पुत्र के पुत्र को सुंदर और बड़ों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ उस कन्या का दान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया, इससे भगवान उससे रुष्ट हो गए। और वह अपने जमाता वहां व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्र केतु के रमणीक में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतीक देकर श्राप दे दिया कि तुझे कठिन दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा के धन को चुराकर चोर वहीं आया जहां दोनों वैश्य स्थित थे। उसी समय बिना विचार के उन दोनों को बांधकर जेल खाने में भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने उनका कहना नहीं माना। राजा चंद्र केतु ने उन सबका धन भी ले लिया। इधर भगवान के हिसाब से वैश्य की स्त्री अति अति दुखित हो गई। जमाता स्वामी।